Hey guys, welcome once again to my YouTube channel. My name is Abhishek Kumar and you are watching me on a B-Vlogs Planet. तो यार क्या होता है ना कि जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जिसने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब करके मेरा भाई बन चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग जानते हैं मैंने 3 वीडियो अपलोड किया था मेल स्क्वाड सर्विस का फ्रॉड को, जो मैंने स्कैम बता के उसे एक्सपोज किया था। यूट्यूब से मुझे एक बार मेल आता है कि योर चैनल हैज़ बीन सस्पेंडेड। पता नहीं क्यों सस्पेंड हुआ, यहाँ देख रहे हो जैसे मेल, इसने रीज़न तो बता दिया यूट्यूब ने कि तुम्हारा चैनल सस्पेंड हो चुका है। बट आई वॉज सैड, रियली सैड। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ यार, चैनल चला गया अब तो हाथ से, क्योंकि और मेरा चैनल कहीं भी नज़र ही नहीं आ रहा था कोई भी प्लेटफॉर्म में। हर जगह से मैंने ट्राई कर लिया सर्च कर करके, कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आया, कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आया कि मैं क्या करूँ अब। फिर मैंने वो हेल्प सेंटर में जाके यूट्यूब को मेल किया, अच्छा सा अच्छा खासा बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ किया, तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल वापस आ गया जिसमें वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। और यदि तुम लोग में से नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके मेरा भाई बन जाओ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। जो फ्रॉड है उसे डायरेक्ट बोलूँगा फ्रॉड, और जो रियल है उसे डायरेक्ट बोलूँगा ये रियल है, इसमें ज्वाइन हो जाओ, तो इसीलिए तुम सब्सक्राइब कर दो। तो फिर उसके बाद चैनल तो वापस मिल गया, लेकिन एक वीडियो था मेल स्क्वाड सर्विस एक्सपोज्ड, उसमें मैंने डिटेल में बताया था भाई कि कैसे कैसे ये फ्रॉड है, कैसे कैसे ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, स्टेप बाई स्टेप मैंने बता रखा था। लेकिन क्या हुआ कि वो वीडियो यूट्यूब से बूम रिमूव हो गया। देख के तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि यार उस वीडियो से अच्छा खासा व्यूज़ थे उस पर, लोग आप लोगों का रिस्पांस बहुत था उस पर, आप लोग सारे ने प्यार दिखाया उस पर, कमेंट दिखाया क्या क्या हुआ लोगों के साथ, कैसे फ्रॉड हुआ, आप सब लोग ने दिखाया, लेकिन भैया यूट्यूब ने हटा दिया उसे। मुझे भी बुरा लगा यार दिल से कि यार यूट्यूब वालों ने मेरा वीडियो रिमूव कर दिया, अब क्या होगा। लेकिन मुझे याद आया कि यार जब मेरे पास इतने कम व्यूअर्स हैं, ठीक है कम व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस में, तो वीडियो रिमूव किया तो इतना बुरा लग रहा है, तो सोचो यार कैरी मनाती का क्या हुआ होगा, 70 मिलियन प्लस व्यूज़ थे। तो फिर मैंने बहुत सोचा इस बारे में, फिर मैंने कहा कि छोड़ो यार, जो हो गया ख़त्म। अब इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या फ्रॉड है मेल स्क्वाड सर्विस में। तो आप लोगों में से मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताएं, अपना क्वेश्चन बताएं, लाइक अ Q&A, कि किसके साथ कैसा फ्रॉड हो चुका है। तो आप लोगों में से बहुत लोग ने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया और यूट्यूब के कमेंट में अपने फ्रॉड के बारे में बताया कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ। ओ थोड़ा बाल भी तो कर लो यार, लग रहा है ना भाई तेरा सही, तो चलो यार सही लग रहा हूँ ना, तो चलो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार प्लीज़, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस डायरी में कॉपी कर रखा है, तो इसमें देखते हैं। पहले प्रतीक राय, आप लोग क्वेश्चन इसे स्क्रीन में देखो, तो उसने बोलता है सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्या मुझे पैसे वापस मिल जाएंगे। अब यदि तुम्हें पैसे वापस मिल जाएंगे तो किस बात का फ्रॉड भाई, फ्रॉड हुआ है मतलब तुम्हारा पैसा चला गया, उड़ गया, तो अब नहीं मिलेंगे भाई पैसे, क्यों देंगे वो लोग पैसे, वो इसीलिए तो बैठे हैं कि तुमसे पैसे ले और अपना काम करे, तुम्हारे लिए जॉब नहीं है भाई, जो जॉब दे रहा है ना तुम्हें उनके लिए वो जॉब है, इसी से तो वो अर्न कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, तो पैसे वापस नहीं मिलेगा, वो लोग देंगे भी नहीं। मैंने पैसे नहीं लिया है भाई, ये मत सोचने कि मैं पैसे नहीं दे रहा है, पैसे जहाँ से इसने अपना जॉब ज्वाइनिंग के लिए किया था कि इसमें जॉब मिल जाएगी, उसने पैसा मांगा, इसने दे दिया, चला गया। दूसरा सवाल है दीपक कुमार pros.com, ये जॉब देगा या फ्रॉड है। फ्रॉड है, क्योंकि इस वेबसाइट में मैंने विजिट किया था, यहाँ भी पैसे मांग रहे हैं, जो भी कंपनी तुमसे पैसा मांग रही है वो सारे फ्रॉड है, जॉब मत ज्वाइन करो कहीं भी, कोई भी जॉब हो कोई भी, इवन कंसल्टेंसी वाले लोग पहले पैसे नहीं मांगते हैं। जानवी सिंह मैसेज करती है रियल ज्वाइनिंग निकिता मैम से बात करें, मैं यार यहाँ फ्रॉड बता रहा हूँ और तुम रियल जॉब करा रही है, ये देखो व्हाट्सएप है रियल निकिता ज्वाइनिंग का, ये भी पैसे ने मांग रखी है, जहाँ तुम पैसे दिए फंस गए। फिर दूसरा आता है शिवम पांडे, कौन सी कंपनी सही है, तो रिलेटेड टू दिस मेल स्क्वाड सर्विस
कोई भी कंपनी सही नहीं है, इंडिया में है ही नहीं ऐसा जॉब भाई, अब तो समझ जाओ प्लीज़। तुम्हारा भाई होने के नाते मैं इतना ही बताऊंगा कि इस टाइप का जॉब इंडिया में नहीं है। तो मैंने एक वीडियो डाला था, एक लड़के के साथ फ्रॉड हुआ, वो आई बटन पे यहाँ ऊपर आ रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाल रखा है, उस वीडियो को देखो। उस वीडियो में क्या होता है कि उस लड़के ने मेल स्कॉट सर्विस का वेबसाइट में विज़िट करता है और विज़िट होने के बाद अपना नंबर डालता है कि मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन क्या होता है, जॉब तो नहीं मिला, उधर से कॉल आता है, हेलो मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आपने इस वेबसाइट में विज़िट किया था? उसने बोला हाँ। तो आप थाने आ जाओ या 5,000 रुपये जुर्माना दे दो। तो उसने सारे डिटेल में बता रखा है। उसके साथ फिर क्या हुआ, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, सॉरी, और ऊपर आई बटन में, ये देखो आ गया ना, देख लेना, अभी नहीं कल ये वीडियो देख लो, उसके बाद में। यार मुझे तुम अपना भाई जैसा मानो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, आज से हम भाई हैं, ठीक है, एक अच्छे दोस्त और भाई हैं। और जब भी मैं वीडियो डालता हूँ ना, प्लीज़ यार वीडियो देखो और प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो यार। इतना मैं दिन रात बैठ के रिसर्च कर रहा हूँ सारे कंपनियाँ की, कौन कौन सी फ्रॉड है, कौन कैसे लूट रहे हैं, लोगों को एक्सपोज कर रहा हूँ। आप लोग के कमेंट आ रहे हैं नीचे, उस कमेंट से मैं लोगों को बता रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इतना तो बनता है कि एक लाइक कर ही दो और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। संजू राणा, करेक्ट बोला ड्यूड, मैंने खुद स्कॉट होके ये सब कभी नहीं देखा, दिस गाइस आर फ्रॉड, मानता हूँ रियली लोग भी पैसे लेते हैं, पर यू नीड टू इन्वेस्ट इन अ राइट प्लेस। अभी ये कोई शेयर मार्केट चल रहा है क्या? क्यों करना इन्वेस्ट भाई ये सब कामों में? यदि इन्वेस्ट ही करना है तो सुबह तक मल्टी ट्रेड कंपनी में इन्वेस्ट करो, ये इन्वेस्ट नहीं है एक्चुअली। फिर एक आता है पठान का फील्ड, भाई मेरे साथ 10,000 रुपीज़ का फ्रॉड हो गया। कैसे करवा लिया भाई 10,000 रुपये का फ्रॉड? फ्रॉड हो गया अब तो मिलेगा नहीं पैसे, ठीक है। फिर दूसरा से कमेंट आता है मुकेश आर्या, मैंने भी बहुत जगह अपने पैसे फ्रॉड करवाए बट मुझे काम नहीं मिला, बट फिर मेरे एक सर से कांटेक्ट हुआ जिन्होंने मुझे ऐसा प्रूफ दिया जो कि एक रियल एजेंट के पास होते हैं, उन्होंने मुझे मीटिंग दी और आज मैं काम कर रहा हूँ। जिसके भी फ्रॉड से बचना है वो सर से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करे, ज्वाइन लेकर मैसेज करे। जो ऐसे मैसेज करते हैं ना, जो भी नंबर देते हैं ना अपना कि मेरे साथ पहले फ्रॉड हुआ और इससे फ्रॉड नहीं हुआ, ये खुद उन्हीं का नंबर होता है, ठीक है, तो इसमें भी मत ज्वाइन करो, ये सब भी फ्रॉड है, ऐसा कंपनी कोई है ही नहीं। इफ़ यू वांट जेन्युइन जॉब व्हाट्सएप, व्हाई शुड आई व्हाट्सएप, ये भी फ्रॉड है भाई। नाइस पॉलिसी, हाँ इन्हें पता है कि कैसे फ्रॉड होते हैं। और रिहान खान बोलते हैं, सर मुझे भी एस्कॉर्ट कंपनी से मैसेज आ रहा है तो क्या वो झूठ है? हाँ भाई झूठ है, क्योंकि ऐसी जॉब कहीं नहीं है। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन में जो कि इंस्टाग्राम में मुझसे पूछा गया है, सर लव बुक का नाम सुने हो? मैंने बोला नहीं। लो भाई ये लिंक, इसमें देखो और बताओ ये रियल है या फेक। तो मैंने इसे बोला ये फेक है क्योंकि ये 500 रुपये मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन, 561 रुपीज़। तो सामने से बंदे ने मैसेज करता है, भाई लोग तो 2-3 हज़ार रुपये मांगते हैं, ये 500 रुपये क्यों मांग रहा है, इसका मतलब फ्रॉड नहीं है ये। मैंने बोला भैया आप जाओ और पैसा दे दो उसे, फिर बाद में पता चलेगा क्यों फ्रॉड है। तो तुम्हें जानना है कि क्यों फ्रॉड है, ये 500 रुपये ले रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये नहीं ले रहे हैं। तो भाई ये बात जाके उन्हीं से पूछो, क्योंकि इन्हें सूटेबल अमाउंट लगा कि चलो यार 2-3 हज़ार नहीं, 500-500 करेंगे तो ज़्यादा कस्टमर लोग आएंगे तो उनका पैसा ले लेंगे, उनका जॉब तो लग ही गया भाई, वो पैसे ले रहे हैं आपसे बस। और फिर ये जो फ़ोटो देख रहे हो, किसी ने मुझे मेल किया था कि सर ये ऑफिस है इनका, ये दूसरा ऑफिस, ये तीसरा ऑफिस, तो भाई ये डाउनलोडेड है नीचे जैसे देख रहे हो तुम, इन्हें अच्छे से क्रॉप करने नहीं आया, तो नीचे का वाइट लाइन दिख रहा है और ये ऑफिस देखते ही इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लग रहा है, ये बाहर का ही लग रहा है। दूसरा आता था जिगोलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो देखो इस स्क्रीन में जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, यहाँ MCA करके एक वेबसाइट है गवर्नमेंट का, तो इसमें पता चलता है कौन कंपनी कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराई है। तो जो एकदम फ्रॉड रहता है उसको गवर्नमेंट कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं देती, 3 बार बोल दिया मैं। तो जैसे कि ये देख रहे हो ना द जिगोलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें हम सर्च मारते हैं तो देखो यार आया ही नहीं, फ्रॉड है। क्या लिखा है? एरर। और फिर ये दूसरा फोटो है, इसका कंपनी नंबर भी दे रखा है 5 टाइम्स
1 3 times 0, ये भी कंपनी फ्रॉड है। देखो कोई अमेरिकन कंपनी आ रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यार सारे एरर आ रहे होंगे, लेकिन नहीं। मैं यहाँ देखो जैसे फ़ोन पे डाला, ये देखो भाई कितने नीचे सारे आ गए फ़ोन पे, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन था। तो इसे हटाते हैं, फिर MDH मसाला का डालते हैं, MDH। देखो इतने सारे कंपनियाँ आ गए। फिर डालते हैं शुभोत्तम मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। यदि आपको भी काम करने हैं उसमें और खूब पैसे अर्न करने, मेहनत तो है भाई, बिना मेहनत कोई जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये शुभोत्तम मल्टी ट्रेड कंपनी जो इसमें मैंने डाला, देखो इसको ये ब्रांच है, उत्तराखंड की कंपनी है। और यदि तुम लोग इस चीज़ में जॉब ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ी है 0 रुपीज़। बस आपको थोड़ा सा बिजनेस माइंड रहना है और लोगों को कन्विंस करने आना पड़ेगा कि लोगों को कैसे कन्विंस करें, इस पे आप अच्छे से कमा सकते हो। तो यदि आप चाहते हो कि शुभोत्तम मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट बन के जॉब करें और अच्छा से अच्छा पैसा कमाएं और अपने सपने पूरे करें, तो मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज करो और कमेंट करो, और या फिर इस ईमेल आईडी में मुझे मेल करो। तो आता है फिर से ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, MJ प्ले वर्क फरीदाबाद। तो इसको डालते हैं यहाँ पे जल्दी से, ये देखो एरर बता रहा है। और फिर हाँ, प्ले बॉय डालने से आएगा, क्योंकि प्ले बॉय डालते हैं तो प्ले बॉय नाम का लॉन्ज है, दिल्ली में है और एक मुंबई में है। दिल्ली में है होटल सम्राट में, चाणक्यपुरी रोड में। तो ये देखो आ गया दिल्ली और महाराष्ट्र। और फिर हम बात करते हैं, ये देखो द मेल स्क्वाड सर्विस से भी इसने भेजा था स्टैम्प सारा लगा के, जो कि लिखा हुआ है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। डालते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या कहीं नहीं आ रहा है MCA में। और फिर ये इमेज लग रहा है ना कि सही है, जूम करो, यहाँ देखो लिमिटेड का स्पेलिंग गलत है। आई हियर बाई सर्टिफाइड था, द क्या होता है, TH है, दैट लिख, दैट तो लिख लो कम से कम यार, कैसे फ्रॉड करते हो, अच्छे से फ्रॉड करो। दैट का टी गायब है, द ऑल इंडियन मेल स्क्वाड प्राइवेट, प्राइवेट के बाद लिमिटेड, जब PVT तुम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो LTD भी तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते यार, और लिमिटेड का स्पेलिंग भी गलत है, लिमिटेड लिखा है। और फिर आप लोग करोगे कि देखो सर स्टैंप लगा है, बस स्टैंप देख लिए भाई, कोई भी फर्जी बना सकता है, क्योंकि तुमसे 10,000 का फ्रॉड कर रहे हैं, तो 1,000 रुपये का नहीं कर सकते ये लोग, इसमें प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते हैं, 500 रुपये में मुश्किल से इनका नोटरी बन जाएगा और वो स्टैंप खरीदवा लेंगे ये लोग, उसी नाम से बनवा लेंगे। ये भी डुप्लीकेट ही है, अलग से बनवाया इसने, किसी और चीज़ का डाल दिया है। फोटोकॉपीज ऑफ इंडियन पासपोर्ट का है ये, पता नहीं क्यों कहाँ से कुछ भी उठा के जोड़ के, कहीं भी इधर उधर से जोड़ जाड़ के आपसे फ्रॉड कर दे रहे हैं यार। तो जैसा कि आप लोग ने देखा, मैंने फ्रॉड को एक्सपोज किया और आपके कमेंट का रिप्लाई दिया। तो बस आप भी काम करो कि मेरा चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एक छोटे भाई बन के मैं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ताकि मैं आप लोगों के सवाल मैं क्लियर कर सकूँ। कुछ भी सवाल हो कमेंट में पूछो, कैसे फ्रॉड हुआ है पूछो, यदि किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो मैं उससे वीडियो में लाऊंगा, अपने YouTube चैनल में डालूंगा, ताकि और लोग बच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना और मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, जो मैंने मेल स्क्वाड सर्विस के ऊपर फ्रॉड के ऊपर बनाया था, वो आई बटन में है। तो जाओ यार जल्दी से देख लो, गुड बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। चलो बाय यार, बाय।